आजमगढ़। आजमगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय है, जिसमें बलिया, मऊ और आजमगढ़ जिला शामिल है, और ये आजमगढ़ जिले का मुख्यालय भी है। आजमगढ़ तमसा नदी यानी टोंस नदी के तट पर स्थित है। आजमगढ़ की सीमाएं पूर्व में मऊ जिले से, उत्तर में गोरखपुर जिले से, दक्षिण पूर्व में गाजीपुर जिले से, दक्षिण पश्चिम में जौनपुर जिले से, पश्चिम में सुल्तानपुर जिले से, उत्तर पश्चिम में अम्बेडकर नगर जिले से लगती है। इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, एक जरूरी सूचना, मेरे चैनल टूर विद अंशिमा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। जिले की कुल जनसंख्या की बात की जाए 2011 के हिसाब से तो 46,16,509 है। वहीं यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,054 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में से एक आजमगढ़ एक समय अपने उत्तर पूर्वी हिस्से को छोड़कर प्राचीन कोसल राज का हिस्सा था। आजमगढ़ के ऋषि दुर्वासा की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जिनका आश्रम फूलपुर तहसील में स्थित था, जो फूलपुर तहसील के मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में तमसा और मजवे नदी के संगम पर स्थित है, जिनके नाम से इस शहर का मुख्यालय शहर आजमगढ़ के नाम पर रखा गया, जिनकी स्थापना 1665 में विक्रमजीत के बेटे आजम ने की थी। आजम खान ने इस शहर की स्थापना अलवाल और फुलवरिया के खंडरों में की थी। आजम खान विक्रमजीत परगना निजामाबाद के मेहरनगर के गौतम राजपूतों के वंशज थे, जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तरह इस्लाम के विश्वास करके उसकी एक मुस्लिम पत्नी थी जिनसे 2 बेटे हुए थे, आजम और अजमत। जबकि आजम ने अपने नाम पर आजमगढ़ रखा और अजमत ने किले का निर्माण कराया और परगना सगरी में आजमगढ़ के बाजार को बसाया। उनके वंशज इस क्षेत्र के राजा बने। बाद में 1832 में मोहब्बत खान ने आजमगढ़ जिले का गठन किया और लोकप्रिय रूप से आजमगढ़ के राजा के रूप में विराजमान हुआ। उसके शासन के दौरान शहर की समृद्धि अपने चरम सीमा पे थी। 1800 से 1947 के अंत में जब भारत अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, आजमगढ़ महात्मा गांधी की कई यात्राओं और भाषणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में भी शहर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लगभग 472 आजमगढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए, उनके परिवार और उनके परिवार के सदस्यों को ताम्र पदक से 1973 में सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में भी। निजामाबाद। निजामाबाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जाने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ये एक छोटा शहर है जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। सैकड़ों यात्रियों को दूर दूर से अपनी सीमाओं पर खींचता है। इस शहर को भारत के आध्यात्मिक दुनिया में से एक विशेष दर्जा दिया गया है, जिसे कई पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ये कारण है कि ये शहर देश में सबसे प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है, जहां गुरु नानक ने खुद यात्रा की और अपनी चप्पल छोड़ दी थी। इस कारण से गुरुद्वारा गुरु नानक चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा ने पवित्र रूप से लकड़ी की सैंडल की एक जोड़ी को संग्रहित किया है, जो कई सिख अनुयायियों और साथ ही सिख समुदाय के लोगों के द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा ये शहर अपनी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, जिसे उत्कीर्ण चांदी के पैटर्न के साथ चमकदार रूप दिया जाता है। पर्यटक इसे अपने स्मृति चिन्ह के रूप में ले जाते हैं। नंबर 2, भवनाथ मंदिर। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर में स्थित बाबा भवनाथ मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि बाबा भवनाथ अपने भक्तों को दर्शन पूजा करके राहत देते हैं। शायद यही कारण है कि बाहर और आसपास के क्षेत्रों में शिव पूजा का कोई भी त्यौहार जब मनाया जाता है, शिवरात्रि हो या सावन का महीना, यहाँ लोग एक बार बाबा के दर्शन करना नहीं भूलते। शिवालयों में दर्शन पूजा करने के बाद यहाँ आए बिना भगवान शिव की पूजा नहीं मानी जाती। लोगों का मानना है कि ये नाम के कारण किसी भी संकट से मुक्ति मिल जाती है।
और बाबा भवानाथ अपने भक्तों की साल भर रक्षा करते हैं। नंबर 3, दुर्वासा धाम। भगवान शिव के अंश और रुद्र अवतार चार युगों के दृष्टा महर्षि दुर्वासा ने निजामाबाद तहसील में तमसा नदी के किनारे अपनी तपोस्थली त्रेता युग में बसाई थी, जो आज भी जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। 3 तहसील क्षेत्र फूलपुर, निजामाबाद और अम्बेकर नगर के त्रिकोण पर तमसा नदी किनारे स्थापित दुर्वासा धाम पर भगवान शिव का पौराणिक काल का मंदिर स्थित है। यहाँ देश के कोने कोने से भक्त सावन के मास में आते हैं और भगवान शिव और दुर्वासा ऋषि का दर्शन पूजन करके अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम दुर्वासा धाम की दूरी लगभग 37 किलोमीटर। अगला जो स्थान है, इसे भैरव बाबा महाराजगंज के नाम से जाना जाता है। आजमगढ़ जनपद में महाराजगंज के बाजार में स्थित भैरव बाबा का प्राचीन और विशाल मंदिर है। मानता है कि भगवान शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद काल भैरव दक्षिण मुखी होकर यहाँ विराजते हैं। हरिशंकर राठी प्रशासनिक स्तर पर महाराजगंज ब्लॉक में स्थित है। भैरव मंदिर की महत्ता और लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है। अगला जो स्थान, इसे दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। ये स्थान तमसा और कुंवर नदी के संगम पर स्थित है। 3 किलोमीटर निजामबाद तहसील से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दत्तात्रेय ऋषि का एक आश्रम है, जहां पिछले समय में लोग ज्ञान और शांति प्राप्त करने के लिए आते थे। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आजमगढ़ जिले से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप देश के किस प्रदेश, किस डिस्ट्रिक्ट या किस शहर में निवास करते हैं। अगर आपको भी आपके शहर या डिस्ट्रिक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।